हेलो फ्रेंड्स, हेलो आज मैंने फ्रेंड्स, आज बनाई मैंने है बनाई है बढ़िया सूरण सी की बढ़िया सूरण सी की सब्जी सब्जी कुकर कुकर में। में। हेलो और ये फ्रेंड्स, देखिए, आज ये मैंने याम सूरण या सूरण जिमीकंद या है। इस तरह से जिमिकंद मैंने इसको या पहले याम धो लिया है और सूरण थोड़ी देर बनाई पानी है। में इसको भिगो तो दिया था इसको मैंने ताकि थोड़ी देर इसका पर छिलका थोड़ी देर निकालने में पानी में आसानी भिगो रहे, दिया थोड़ा था ताकि सा फूल ये जाता है इसके छिलका, छिलका थोड़ा तो सॉफ्ट थोड़ा हो जाए, तो सॉफ्ट छिलने हो में जाता आसानी है, हो तो जाए। आसानी से अपना अब ये अपने सूरण सूरण कट छील जाएगा। के तो अच्छे से अब अपने धोएंगे, इसको छीलते हैं। सूरण की और सब्जी ये बनाने के देखिए, लिए सब्जी ये बनाने सूरण के को लिए अच्छे सूरण से को छील मैंने छील के के पहले तो अच्छे से धोया धोया, फिर है, इसके टुकड़े फिर किए और वापस फिर इसको इसको तीन चार पानी टुकड़े में किए अच्छे था, से इसको धोया भी ताकि चार अपने पांच गले पानी में में अच्छे खुजली से नहीं धोया हो है या ताकि गला ये नहीं सब्जी काटे ऐसे। ना करे। तो अब इस तरह इसको से ये बढ़िया फिर सा रखने आपने, और दिया इसको अभी है पानी में रखा है ताकि ये ताकि काला काला नहीं ना पड़े। पड़े। और और ये ये देखिए, दो दो बड़े टमाटर को टमाटर बारीक काट के लिया बारीक काट के है, ले लिए हैं, ये ये कुछ कुछ हरी हरी मिर्च मिर्च के के टुकड़े टुकड़े हैं, हैं, तड़के में और ये जाएगा खड़े, राई ये मेथी राई मेथी जीरा, जीरा है, खड़े मसाले दालचीनी, में जावित्री और दालचीनी और बड़ी बड़ी इलायची, इलायची और है, और ये है ये दो 2 टीस्पून टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, एक धनिया टीस्पून जीरा मिर्ची पाउडर, पाउडर, एक एक टीस्पून टीस्पून हल्दी हल्दी पाउडर, पाउडर, एक टीस्पून वन मिर्च थर्ड कसूरी टीस्पून लाल हींग मिर्च और है, 1/4 और टीस्पून ये हींग है, एक टीस्पून ये गरम एक मसाला, एक टीस्पून टीस्पून है किचन किंग किचन मसाला, किंग एक मसाला, टीस्पून 8 टीस्पून ये गरम है मसाला आमचूर है, पाउडर, और और ये एक ये इस टीस्पून तरह से आमचूर पाउडर का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसके आमचूर अंदर। पाउडर, और ये थोड़ा सा डालेंगे लास्ट काला में नमक 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, जितना, और और साथ में जाएगा ये नमक नमक जाएगा स्वादानुसार। स्वादानुसार, और ये और सब्जी को इसको बनाएंगे बनाएंगे कुकर में, और कुकर ले में मैंने लिया ले है लिया है सरसों का सरसों का तेल। तेल। अब ये अपनी सारी सब्जियां रेडी हो गई है, और अब अपने इसको बढ़िया सा लगाएंगे तड़का। मसाले मसाले सब रेडी हो गए हैं, और तेल भी अपना हो रहा है गरम। तो जैसे ही तेल गरम हो जाता है, तुरंत अपने इसके तेल अंदर हो गया डालेंगे है सबसे गरम, पहले सबसे तो पहले डालेंगे ये राई राई मेथी मेथी जीरा जीरा दालचीनी कड़े और बड़ी मसाले, इलायची, तड़के और में डाल तड़के देते को हैं होने क्रैकल, देते हैं और क्रैकल। क्रैकल होते ही इसके अंदर जैसे ही तड़का राई क्रैकल हो जाता है, सबसे पहले डाल मेथी देंगे और हरी मिर्च, और इसके इसके अंदर बाद हरी मिर्च डालेंगे थोड़ा के सा तुरंत बाद डालेंगे मेथी, ये लहसुन की चटनी है लहसुन लहसुन और मूंगफली कूट के डाला हुआ। इस तरह से चटनी बना के रखी है, इसका और भी ये बहुत बढ़िया टेस्ट डालेंगे आता है। ये कुछ अदरक क्रश की हुई पेस्ट, अदरक, और और इसको पहले देखकर अच्छे से कर इसके बाद लेंगे इसको अपने अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और ये डालेंगे और बाद में डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटे इसके बाद चार हल्दी, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे। तो ये टमाटर और ये मसाले ये सब साथ में ही पकाएंगे ताकि दोनों साथ में पक ये जाए, और देखिए फिर अब थोड़ा अपना सा पानी मसाला डाल दें ताकि ये और अपना मसाला मसाला अच्छे से पक जाए, कुक और हो गया है, इसको और थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ने लगा है, चलाते हुए पकाएंगे। इसके जब ये टमाटर थोड़ा सा डालेंगे पहले सॉफ्ट ये होने और सूरण मसाला या जिमीकंद, जिमीकंद, और मसाला अपना हो गया है। अब डाल देंगे इसके अंदर जिमीकंद या सूरण या याम, और ये अपना सारा और इसको गया भी सूरण, इसमें अब डाल गुजरात देंगे में इसको स्वाद सूरण अनुसार बोलते हैं। नमक, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे और इसको नमक स्वादानुसार, आँच को फास्ट और इसको करके अच्छे से अभी आँच को तेज भूनेंगे, करके दो इसको तीन मिनट अच्छे से मसाले अच्छे से को, भूनेंगे और मसाले अपने को, इसके अंदर ताकि प्याज इसके बेसन डाल अंदर देंगे एक टेबल स्पून जितना अपने डाल देंगे ताकि इसका बहुत ये अच्छा सा बेसन, टेस्ट आए और ताकि अपने जो ग्रेवी को ग्रेवी कुछ बने टेस्ट वो मिले बढ़िया सी और अच्छे से ठीक हो, इसको भूनते हैं। ये अच्छा सा एक टेस्ट भी आएगा, तो दोनों बढ़िया सा तो ये बैलेंस भी सब्जी करेगा। और और ये अच्छे से मसाले अब अपना अच्छे से भून गए ये हैं, सूरण और इसके अंदर मसाला डाल सब भून देंगे गया है। अब इसके अंदर डाल देते पानी हैं पानी, और और इसको इसके एक बाद सीटी तेज वापस आंच इसको पे, और उसके बाद अच्छी तरह 10 मिनट से स्लो आंच पे भून चलाएंगे, लेते हैं, और इसको और अच्छे से इसके भून लेते हैं बाद पहले तो इसको ढक के और अपना प्रेशर कुक कुकर होने के लिए प्रेशर रख कुकर देंगे। कुकर हो गया है, और ये देखिए ये वापस गैस ऑन कर दिया है, होने के बाद और अब सबसे पहले तो इसके प्रेशर अंदर कुक दिया था, डालेंगे प्रेशर कुक होने के तुरंत बाद इसमें एक डाल टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ठंडा हो गया था उसके एक बाद टी अपने स्पून अपने वापिस इस तरह से मसाले आमचूर डाल पाउडर, देंगे, और और इसको अच्छे से इसको कर अच्छे से देते कर लेते हैं मिक्स मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद इसको और एक इसको पल स्लो अच्छे आँच से में भूनने देंगे ताकि ये मसाले भी इसके साथ अच्छे से हो जाए मर्ज। और ये देखिए, एक ही ये एक सीटी और 10 मिनट स्लो आँच पे कुक होने के बाद अपना ये सूरण ये बिल्कुल देखिए अच्छे से पक गया है। अच्छे से पर पक ये गया पानी है की हार्डनेस के ऊपर बढ़िया डिपेंड होता सा, है, ये अपना सूरण जहाँ हो गया जैसा है, पानी होगा उस और हिसाब इसको से अभी मिक्स स्लो होता आंच है, पे और 7 मिनट और पकने तो देंगे कुकिंग का टाइम ताकि थोड़ा अलग मसाले अलग भी हो अच्छे से सकता है हो और जाए। ऐसा है। और और ये इसमें देखिए, एक थोड़ा ये सा अपने हमने इसके अंदर थोड़ा सा काला डालेंगे नमक हाफ टी डालेंगे, स्पून और
काला नमक, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ी सी गई कसूरी मेथी और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है काला नमक, और ये कसूरी मेथी भी बढ़िया सी खुशबू देगा, टेस्ट भी देगा। और ये अपने कुक होते हुए इसको हो गए हैं स्लो आंच पे 7-8 मिनट, और अब गैस को कर देते हैं बंद। और इसके बाद डाल देंगे ये बढ़िया सी गई हरी धनिया, और ये देखिए अपनी सब्जी, इसको आप रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ एंजॉय करें, रेडी टू सर्व। इसको मैंने सर्व किया है बढ़िया से चावल के साथ, और ये देखिए इसी के साथ साथ मैंने बनाई है गुजराती वरानी दाल, या जो खट्टी मीठी दाल बोलते हैं वो, और ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी और बहुत बढ़िया यम्मी। और इसके साथ ये गुजरात सत्तर या जीरा सर चावल जाते हैं, तो वो चावल बन के हो गए हैं रेडी। और ये अपनी सूरण की सब्जी है, और ये सूरण की सब्जी, और ये उबले हुए सूरण का मैंने भरता बनाया है सरसों का तेल डाल के, साथ में है भुजिया। तो ये इस तरह से ये मेरा यम्मी लंच बन के हो गया है रेडी। और मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।